ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रोड जो है वो कितना साफ है, जो आधार शिविर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की तादाद में जहां से वाहन जो है वो गुजरते हैं, इसी पुल से होकर जो है वो यहां से गुजरते हैं। और आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोकल वाहन वाले हैं कितने परेशान होंगे इस पुल को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आए दिन जहाँ पे इसी तरह से जो है वो गड्ढे बने हुए हैं, लगभग एक साल से भी ज्यादा हो गया है। इन खड्डों की मरम्मत जो है वो किसी ने भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हुआ है। हालांकि जहाँ पर जो है वो पैसे जरूर निकाले होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये बैरिकेटिंग जो है वो जहाँ पे की गई है, लोहे के एंगल जहाँ पे जरूर लगाए गए हैं ताकि कोई नीचे जो है वो ना गिरे। लेकिन जहाँ पे जो जरूरत होती है कंक्रीट करने की, जहाँ पे खड्डे बनने की जरूरत थी, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि सैकड़ों वाहन जो है वो यहाँ से गुजरते हैं, और जो वाहन रोड पे चलते हैं वो टैक्स देते हैं। टैक्स इसलिए देते हैं और रोड पे चलते हैं, लोगों का जो है वो जब वाहन चलते हैं तो वाहन जो है वो खराब ना हो, किसी के जो है वो पहिए खराब हो रहे हैं, किसी के जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन जो है वो जहाँ से गुजरते हैं और कितने कितने जहाँ पे ज्यादा खड्डे हैं किसी को भी अंदाजा नहीं है। जैसे इन्होंने सोचा होगा थोड़ा सा खड्डा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग जहाँ पे आधा आधा फिट जो है वो गहरे खड्डे हो चुके हैं, और जहाँ से कोई भी वाहन जहाँ से गुजरता है खासकर मोटरसाइकिल वाले, वो कई बार जहाँ पे हादसे के शिकार होते हैं, कई बार वो स्लिप हो गए हैं और कई बार जो है वो उनको गहरी चोटें भी आई हैं। कुछ बड़ी गाड़ी हैं उनके जो पहिए होते हैं जैसे ये पड़े जो लोहे के लगे हुए होते हैं वो इनके जो है वो टूट जाते हैं। और प्रशासन से यही अपील है कि जहाँ पर अब भोले बाबा के आधार शिविर शिवरात्रि का महामेला जो है वो जहाँ पर होगा, और जहाँ पे तब लगभग हजारों की संख्या में जो है वो वाहन जहाँ से गुजरेंगे, और जो लोग सैलानी हैं जो पर्यटक जहाँ पे पहुँचते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, वो क्या मंशा लेकर जहाँ से जाते होंगे कि हम जम्मू कश्मीर के आधार शिविर रनसू में गए थे लेकिन रोड की हालत जो है वो किस तरह है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारे डीसी रियासी विशेष पाल महाजन हैं, जो जब से जहाँ पर आए हुए हैं, हालांकि कुछ कामों में जो है वो तेजी आई है, उनके नॉलेज में बात रहती है, आपने खुद देखा जहाँ पे तारकोल पड़ रही हो 11 बजे 12 बजे जो है वो वहाँ पर भी वो चेकअप करने जाते हैं कि कितने कितने इंच जो है वो तारकोल डाली गई है। लेकिन रिक्वेस्ट रहेगी रियासी डीसी से कि जहाँ पे भी ध्यान दीजिए, देखिए कि जहाँ पे जरूरत है खड्डे बनने की, जहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी कंक्रीट जो है वो करवा सकते हैं, जहाँ जहाँ पर जो बजरा है वो जहाँ पे डलवा दें ताकि जो है वो ये हादसे ना हो। ये हम एक स्पॉट पे खड़े हैं दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे स्पॉट की यही हालत है, हर जगह रोड जो है वो टूट चुका है। और इसके आगे जो दृश्य जो है वो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, रात को जहाँ पर नीला डब क्षेत्र में स्लाइडिंग हुई थी और स्लाइडिंग में जो है वो पूरा मलबा जहाँ पर पहुंच गया था। शुक्रिया अदा करेंगे SHO पौनी का, जो नव नियुक्त जहाँ पे नियुक्त हुए हैं उनको जो है वो जैसे ही जानकारी मिली थी वो अपनी टीम के साथ रात को जहाँ पर पहुंचते हैं। उसके बाद जो है वो PWD के जो जय साहब हैं शायद उनको फोन करते हैं, हमारी बातचीत हुई है और ट्रैफिक जो है वो जो थोड़ा जाम हुआ था वो एक चैन जो कुपी मशीन रहती है उसकी मदद से जो है वो पूरा रोड जो है वो खुलवाया गया है। जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये रात की तस्वीरें हैं, ये दृश्य बहुत दृश्य है। अगर ये पूरा मलबा जहाँ पे ही पड़ रहता तो काफी ज्यादा जाम जो है वो जहाँ पे हो जाता, और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था जो शिवखोड़ी के लिए श्रद्धालु जा रहे हैं जहाँ जो पौनी की तरफ जा रहे हैं, तो काफी ज्यादा जो है वो परेशानी है। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ जो खड्डे बड़े हुए हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि हेलमेट पहने मोटरसाइकिल वाले जो है वो हेलमेट पहन के चले, आपकी सेफ्टी के लिए है, लेकिन ये खड्डे कौन भरेगा। PWD के पास भी काफी ज्यादा पर्याप्त जो है वो सरकार ने पैसा दिया हुआ है मरम्मत के लिए, लेकिन सवाल यही है कि पैसा जो है वो लगाते तो हो लेकिन लगाते कहां पे हो, जहां पे जरूरत है वहां पे पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये आम जनता जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे। देखते रहो रियासी जगह न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।